नमस्कार दोस्तों, मैं खड़ा हूँ आदर्श नगर मदन। नमस्कार दोस्तों, मैं खड़ा हूँ आदर्श नगर स्थानीय विधायक ज्ञानचंद पारेख जी के वार्ड में। और मदन जी राठौड़ भाई साहब के घर के पास में ये देखिए, ईवीएम मशीन है, इनके इनके घर के सामने ईवीएम मशीन पाई गई है, ये देखिए। अब आप बोलेंगे लोकतंत्र से खतरा, लोकतंत्र को किस तरह इन लोग ये लोग मिलकर तबाह कर रहे हैं। आप देखिए ये ईवीएम मशीन, ये ईवीएम मशीन एक निजी घर में ये ईवीएम मशीन पड़ी है और अधिकारी हमारे सामने है, अधिकारी हमारे सामने है, प्राइवेट घर में ईवीएम मशीन कैसे लेके आ गए? एक निजी घर, उनको ईवीएम रखने के लिए बांगड़ कॉलेज में पुख्ता सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन एक निजी घर में ईवीएम कैसे आ गई? ईवीएम एक निजी घर में ईवीएम मशीनें कैसे आ गई, ये सोचने वाला विषय है। और इन अधिकारियों को और पाली विधायक ज्ञानचंद जी पारेख को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये देखिए प्राइवेट घर पे कैसे आ गई? अरे तो सुमेरपुर इधर कैसे आ गई? सुमेरपुर की भी इधर कैसे आ गई भैया? ये देखिए ईवीएम मशीन, प्राइवेट निजी घर में ईवीएम मशीन है। मैं बोल रहा हूँ आदर्श नगर, ये देखिए ये आदर्श नगर का वार्ड है स्थानीय, ईवीएम बटन साइड है, ईवीएम बटन कहीं ना करे ईवीएम प्राइवेट घर में पड़ी था। चुनाव तो आज Hi, this is Siddhi Idnani and please do subscribe to New Waves.